हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 5 तक कंप्लीट हो गए थे। 6 क्वेश्चन है, टेक अवे 7.832 फ्रॉम 43.67 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 15.4। सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। टेक अवे 7.823 फ्रॉम 43.67, तो 43 में से हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना है हमारे पास 35.847। देख लीजिए सब्ट्रैक्शन जैसे नहीं आती है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, इसमें ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखेंगे, तो ग्रेटर नंबर कौन सा था हमारे पास, 43.670 और 7.823 स्मॉलर था। यहाँ पर एक जीरो की कमी थी, हमने क्या लगा लिया, जीरो लगा लिया, पॉइंट के बाद जीरो लगा लेते हैं हम, कितने भी पॉइंट के बाद जीरो लगा लेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमने यहाँ से वन कैरी लिया, कितना हो गया 10 में से 3 7, यहाँ कितना रह गया 1 कैरी, इधर गया था 6 रह गया, 6 में से 2 4, यहाँ 1 कैरी इधर से लिया 16 हो गया, 16 में से 8 एंड 12 में से 7 5 एंड 3 में से एज इट इज। ओके, सब्ट्रैक्शन करनी आ गई सभी को, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हमें क्या करना था, हम जो रिजल्ट आएगा उससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई 15.4 से। रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 35.847, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 35.847 मल्टीप्लाई बाय 15.4, 35.847 मल्टीप्लाई 15.4। हमें पॉइंट यूज नहीं करने हैं, पॉइंट एंड में लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया था कि जो भी पॉइंट होते हैं उनके काउंट कर लेते हैं डिजिट। यहाँ कितने के बाद है 1 2 3, यहाँ कितने के बाद है 1, 3 1 कितने हो गए 4, ऐड करके कितना है 4, तो 4 के बाद हम लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं आपको, 4 7 28 इज 8, 4 4 16 2 18, 4 8 32 और 1 33, 4 5 23, 23 4 3 12। ठीक है, आसानी से हम सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आया 522.0438। अब पॉइंट हम मेन यहाँ मल्टीप्लाई सबको आती है, फोर्थ में सीखी, फिफ्थ में, सिक्स में, अब हम सेवन्थ में हैं तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ केवल पॉइंट के लिए हमने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई है। यहाँ कितने के बाद है पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद, यहाँ पर 1 डिजिट के आफ्टर है पॉइंट, टोटल कितना हो गया 3 और 1 4, तो हमें कितने के बाद पॉइंट पुट करना है 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है, कितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद। तो हमारे पास आंसर कितना है 522.0438। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों की प्रोडक्ट में और द प्रोडक्ट ऑफ 6.91 एंड 9.70 बाय हाउ मच और कितना है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फिर फाइंड करना है ग्रेटर कौन सा है, जो भी ग्रेटर होगा उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटर में से स्मॉलर को और बताना है कितना ग्रेटर है। तो देख लीजिएगा द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट करनी है, भी आपको सिखाई थी पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट के आफ्टर है, 2 2 कितने हो गए 4, तो 4 डिजिट के आफ्टर लग गई। पॉइंट मल्टीप्लाई की जिसे करनी नहीं आती वो सीख लेंगे, पहले हम 3 के करेंगे इन 4 डिजिट में, 3 9 27, 3 6 18 2 20, 3 2 6 और 2 8 और 3 1 3, फिर से 8 ही करेंगे 4 की 4 डिजिट में, 8 9 72, 8 6 48 और 2, जो भी हो जाएंगे मल्टीप्लाई सभी को आती है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मल्टीप्लाई में आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अब हमें मेन चीज क्या है, पॉइंट है हमारे पास कितने के डिजिट के आफ्टर है 2 2 4, तो 4 डिजिट के आफ्टर हमने पॉइंट लगा लिए। ओके, अब द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लिखे पॉइंट कितने के बाद था यहाँ पर 2 और 2 4, तो 4 के बाद ही पॉइंट पुट करेंगे हम, कितने के बाद 4 डिजिट के बाद, 7 1 7, वैसे ही प्रोडक्ट करेंगे 7 1 7, 7 9 63 और 7 6 42 और 6 48, 0 एज इट इज, 9 1 9, 9 9 81, 9 6 54 और 6 8 कितने हो गए 62, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप लास्ट क्लास में सीख के आ रहे हैं मल्टीप्लाई। ओके, अब हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, इसके पास आई ये वाली आई थी हमारी 99.362 एंड देन 62.673। अब ग्रेटर कौन सी है, यहाँ कितना है 99, यहाँ कितना है 62,
हमें पॉइंट से पहले पहले कंपेयर करने हैं पहले डिजिट, ठीक है। यहाँ पर कितना है 99 और यहाँ पर 62। अब बताइए हु इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है बताइएगा। 99 इज ग्रेटर, 99 इज ग्रेटर किसकी मल्टीप्लाई थी वो 7.83 एंड 12.69। तो 7.83 एंड 12.69 इज ग्रेटर प्रोडक्ट। और अब हाउ मच कितना बताना था हमें, तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। 7 में 7 0 एंड 12 में से 1 कैरी लिया इधर से, 12 में से 3 9 एंड यहाँ 5, 5 में से 7 कितने बचेंगे 8 एंड 12 में से 6 6 और 8 में से 2 6 एंड 9 में से 6 3 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, द प्रोडक्ट ऑफ एंड दोनों की प्रोडक्ट करनी है और द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों को प्रोडक्ट करनी है। Why, how much और कितना है, पहले इन दोनों की फर्स्ट डिजिट जो दी गई है दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। दोनों की प्रोडक्ट की हमने इसमें प्रोडक्ट करके आंसर है इसमें ये। अब इन्हें चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर है, 99 ग्रेटर है 62.6737 बताइएगा। तो 99 ग्रेटर होगा 62 से बताइएगा, ठीक है। 99 ग्रेटर होगा तो उसको ऊपर नीचेंगे और जो स्मॉलर इसको नीचे लिखेंगे। और हाउ मच, वाई हाउ मच कितना है, तो हमारे पास कितना ग्रेटर देना है 36.6890 इज ग्रेटर, कितना है इज ग्रेटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बाई हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑफ 51 एंड 42.65 स्मॉलर देन द 3000 से कितनी स्मॉलर है ये बताना है। द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट करनी आगे सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 51 की 42.65 से, ठीक है। एंड प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास कितनी है वैल्यू 2175.15। द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों की प्रोडक्ट की हमारे पास जो आंसर आया था, और स्मॉलर देन कितना बताना है, कितना स्मॉलर है। तो 3000 पे से हम क्या घटा देंगे 2175.15, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना सभी को आता है, जिसे नहीं आता एक बार फिर सीख लो। यहाँ अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या किया हमने, दो जीरो लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट में कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, यहाँ पर हमारे पास डिजिट थी। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ से क्या लिया यहाँ, यहाँ से लिया यहाँ, यहाँ से लिया यहाँ, यहाँ से लिया यहाँ, यहाँ से लिया यहाँ, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 5, 5 यहाँ कितना रह गया बताइएगा 9, कितना रह गया 9, 9 में से 1, 8 यहाँ भी 9, 9 में से 5, 4, 9 में से 7, 2, 9 में से 1, 8 और 2 में से 2, 0। तो कितना आ गया हमारे पास 824.85। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।